सो अब हम देखेंगे कि कलेक्शन के जो डिफरेंट क्लासेस हैं इनमें क्या डिफरेंट है। हम लोगों ने देखा लिस्ट के अंदर हमारे पास चार क्लासेस थे, सेट के अंदर हमारे पास तीन क्लासेस थे, और मैप के अंदर हमारे पास है ना तीन से चार क्लासेस थे। इसके अलावा और भी क्लासेस है मैंने जो आपको है ना पढ़ाया है, जो मोस्ट कॉमन क्लासेस जो यूज होते हैं सिर्फ उनके बारे में पढ़ाया है। तो इन जो ये जो क्लासेस हैं, जैसे हमको पता है कि हमको अगर डायनेमिक एरे चाहिए तब हम तो लिस्ट यूज करेंगे, अगर हमको डुप्लीकेट नहीं चाहिए एलिमेंट तब हम सेट यूज करेंगे, और की वैल्यू पेयर में चाहिए डेटा तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हम है ना आपके मैप का। बट उनके अंदर जो क्लासेस है उनमें क्या डिफरेंट है, और इंटरव्यू में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जाने वाला कि डिफरेंट जो क्लासेस हैं कलेक्शन के उनमें क्या डिफरेंट होता है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा जो कलेक्शन से रिलेटेड क्लासेस हैं वो हमारे पास क्या क्या है, एरे लिस्ट है, वैक्टर है, लिंक्ड लिस्ट है, स्टैक है, हैश सेट है, ट्री सेट है, लिंक्ड हैश सेट है, हैश मैप है, ट्री मैप है, और लिंक्ड हैश मैप है। तो इनमें क्या डिफरेंट है अब ये मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस राउंड में जाएंगे तो बिल्कुल आपसे है ना ये सारे क्वेश्चंस है ना पूछे जाते हैं। तो ये डिफरेंस क्या है इसमें हम ये देखेंगे। देखिए कलेक्शन के क्लासेस को ना तीन कैटेगरी में हम है ना क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ऑर्डर्ड, शॉर्टेड और सिंक्रोनाइज्ड। ये जितने भी क्लासेस हैं इनमें ये तीन कैटेगरी में डिफरेंस आते हैं। अब देखिए ऑर्डर्ड का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड का मतलब जिस ऑर्डर पे आपने कलेक्शन में डेटा स्टोर किया उसी ऑर्डर में अगर आपको डेटा वापस मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कलेक्शन में डाला 11, 2 और 3, 4, अगर आपको आउटपुट भी 11, 2, 3, 4 मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब आपको कुछ भी आउटपुट मिल सकता है, लाइक आपने ये इनपुट डाला आपको आउटपुट 2, 4, 3, 11 भी मिल सकता है, 11, 3, 2, 4 भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो इसमें कुछ ऐसे क्लासेस हैं जो क्या है ऑर्डर्ड हैं, और कुछ ऐसे क्लासेस हैं जो क्या है अनऑर्डर्ड हैं। दूसरा शॉर्टेड, कलेक्शन के कई सारे ऐसे क्लासेस हैं जो क्या है शॉर्टेड हैं। शॉर्टेड बोलने का मतलब जैसे अगर आप एलिमेंट डाले 11, 2, 3, 4 तो अगर आप इनमें से कुछ क्लासेस का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेगा, अरेंज कर देगा। ये चीज अगर आप एरे यूज करते तो एरे में आपको क्या करना पड़ता है, वो सारा का सारा खुद से लाइन ऑफ कोड के थ्रू लिखना पड़ता है, बट अगर कलेक्शन की क्लासेस उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, शॉर्टेड कर देते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। शॉर्टेड का मतलब अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आपने कुछ ऐसे क्लासेस जिसमें आपने 11, 2, 3, 4 डाला तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2, 3, 4, 11, तो कुछ क्लासेस शॉर्टेड हैं और कुछ क्लासेस सिंक्रोनाइज्ड हैं। वैसे सिंक्रोनाइज के बारे में हम लोग आगे के मल्टी थ्रेडिंग वाले वीडियोस में है ना पढ़ेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। मैं आपको बस थोड़े से आइडिया के लिए सिंक्रोनाइजेशन का मतलब बता देता हूं। सपोज आप कोई एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसको मल्टीपल लोग सेम टाइम पे क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। जावा क्या करता है, मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। मल्टी थ्रेडिंग का क्या मतलब हुआ, सपोज आपके पास ये कॉमन रिसोर्स है, सपोज मेरे पास तीन टिकट अवेलेबल हैं और इसको कई सारे कस्टमर मेरे इस एप्लीकेशन को सेम टाइम पे क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि जावा मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है इसका मतलब मल्टीपल लोग अगर चाहें तो सेम टाइम पे क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं। तो अगर ये आपने प्रॉपर एल्गोरिथम लगा के रखा है कि यार अगर टिकट जीरो होगा तो टिकट अवेलेबल नहीं होगा, अदरवाइज टिकट में प्रोसेसिंग होगा यानी टिकट इश्यू होगा और टिकट की वैल्यू कम हो जाएगी, 3 से 2 हो जाएगी। तो आपने अगर ये एल्गोरिथम लिख के रखा है तो हो सकता है आपका ये एल्गोरिथम क्या हो जाए, फेल हो जाए। क्यों, क्योंकि क्योंकि मैं आपको बताया जावा मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है, तो अगर मल्टीपल लोगों ने सेम टाइम पे रिक्वेस्ट सेंड कर दिया तो आप सबको क्या हो जाएगा, टिकट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, और आपका जो एल्गोरिथम था वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर आपने सिंक्रोनाइजेशन लगाया तो सिंक्रोनाइजेशन लगाने से होता क्या है, अगर ये जो आपका ऑब्जेक्ट आपका बना है जो कॉमन रिसोर्स है इस पे आप है ना लॉक लगा सकते हैं। लॉक लगाने से क्या होगा, अगर ये 10 लोग सेम टाइम पे रिक्वेस्ट भेजते हैं तो 10 एक साथ अंदर नहीं जा पाएंगे, उनमें से कोई भी एक अंदर जाएगा
वो क्या करेगा, लॉक करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, टिकट इश्यू करेगा, टिकट की वैल्यू को कम करेगा और फिर बाहर आ जाएगा। उसकी उसके बाद कोई एक अंदर जाएगा और फिर लॉक करेगा। अभी काम कैसे करता है ये आपको डेप्थ में मल्टी थ्रेडिंग में पता चलेगा। यानी अगर आप सिंक्रोनाइजेशन यूज नहीं करेंगे और आपका जो कोड है वो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरमेंट पे रन हो रहा है तो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट होगा। होगा इस केस में हो सकता है कि सब लोगों को क्या हो जाए, टिकट इश्यू हो जाए। लेकिन अगर आप सिंक्रोनाइजेशन यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। इस केस में आपको आउटपुट मिलेगा टिकट 3, टिकट 2, टिकट 1 और बाकी सबको नॉट अवेलेबल। लेकिन आप हर चीज को सिंक्रोनाइजेशन भी नहीं बना सकते, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन बनाने से क्या होता है, उसके भी आप में कई सारे रिसोर्सेस मेमोरी पे लोड होते हैं, अपना टाइम कंज्यूम करते हैं, अपना मेमोरी लेते हैं। तो अगर आप उस सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको उसको सिंक्रोनाइज नहीं बनाना है, नहीं तो ज्यादा मेमोरी टाइम लगेगा। और अगर आप मल्टीपल लोगों के लिए बना रहे हैं तो आपको सिंक्रोनाइजेशन बनाना है। तो ये जो सारे क्लासेस हैं इनमें डिफरेंशिएट कैसे होता है, ऑर्डर, सॉर्टेड और सिंक्रोनाइज के बेसिस पे। तो मैं क्या एक बेसिकली छोटा सा चार्ट बना रहा हूं जिसमें मैं आपको इन सब में डिफरेंस बताऊंगा कि है ना क्या क्या इसमें डिफरेंस आता है। तो हमारे पास जो क्लासेस हैं, एरे लिस्ट, वैक्टर, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप और ट्री सेट। इसमें हम डिफरेंट देख रहे हैं, कुछ क्लासेस लिस्ट से डिराइव्ड हैं, कुछ क्लासेस सेट से डिराइव्ड हैं, कुछ क्लासेस मैप से डिराइव्ड हैं, कुछ इसमें से ऑर्डर्ड हैं, कुछ इसमें से शॉर्टेड हैं और कुछ इसमें से सिंक्रोनाइज्ड हैं। तो यहां पे जो आपका एरे लिस्ट वेक्टर, ये इनका जो पैरेंट इंटरफेस है वो क्या है, लिस्ट। इनका जो पैरेंट इंटरफेस है वो क्या है, सेट। इनका जो पैरेंट इंटरफेस है वो क्या है, मैप। अब एरे लिस्ट क्या है, मैं आपको बताया ये जो चारों क्लासेस हैं, इसके पहले वीडियो में आपको बताया कि इन ये सारे के सारे क्या हैं, लिस्ट से डिराइव्ड है। और लिस्ट क्या है, डायनेमिक एरे, क्योंकि ये क्या है, लिस्ट से डिराइव्ड है और ये डायनेमिक एरे हैं। और एरे में आपको पता है डेटा स्टोर कैसे होता है, एरे में डेटा स्टोर होता है इंडेक्स के बेसिस में, क्योंकि इंडेक्स के बेसिस में स्टोर हो रहा है इसलिए वो क्या होगा, हमेशा ऑर्डर्ड होगा। क्योंकि आपको पता है इंडेक्स में कैसे स्टोर होता है, A0 पे पहला वैल्यू, फिर A1 पे, A2 पे, A3 पे, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, और लिस्ट डिराइव्ड है इसलिए सारे के सारे क्या हैं, ऑर्डर्ड हैं। अभी क्योंकि सारे के सारे ऑर्डर्ड हैं तो ऑब्वियस ये बातें शॉर्टेड नहीं हो सकते, क्योंकि जिस ऑर्डर में डालोगे उस ऑर्डर पे ही डेटा जाएगा। 11 2 3 डालोगे तो 11 2 3 जाएगा, तो ये शॉर्टेड आना नहीं हो सकता है। अब एरे लिस्ट जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं है, यानी अगर आप मल्टी थ्रेडिंग एनवायरमेंट यूज कर रहे हैं तब आप एरे लिस्ट का यूज नहीं कर सकते, नहीं तो आपको अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा। वेक्टर क्या है, इसका ऑर्डर्ड वर्जन है, सॉरी वेक्टर क्या है, इसका सिंक्रोनाइज वर्जन है। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग एनवायरमेंट यूज कर रहे हैं और एरे लिस्ट और वेक्टर में चूज कर रहे हैं तो आप यूज क्या करेंगे, वेक्टर का यूज करेंगे एरे लिस्ट की जगह। और सिंगल थ्रेडिंग एनवायरमेंट में यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, एरे लिस्ट का। और स्टैक, स्टैक आप जानते हैं क्या होता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपको डेटा लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर में मेंटेन करना है तो आप क्या यूज करेंगे, स्टैक यूज करेंगे। लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट यूज क्यों करना है, देखिए लिंक्ड लिस्ट और एरे लिस्ट दोनों सिमिलर टाइप का काम करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, देखिए अगर आप एरे यूज करते हैं, सपोज आपने एरे यूज किया, तो एरे में प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आपके पास यहाँ पे 3 डेटा है, अब आपको एक और डेटा इंसर्ट करना है, कहाँ पे, फर्स्ट में इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनली पहले पूरा मूव करना पड़ेगा डेटा को, शिफ्ट करेंगे आप 30 इधर लाएंगे, 20 इधर लाएंगे, 10 इधर लाएंगे, फिर यहाँ पे डेटा डालेंगे। यानी अगर आप फर्स्ट में इंसर्शन डिलीशन कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम लगता है किसमें, एरे पे, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। तो एरे लिस्ट जो है वो इंटरनली एरे होता है, तो अगर आप उसमें डेटा इंसर्शन डिलीशन कर रहे हैं और मिडिल और फर्स्ट में कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन लिंक लिस्ट आप जानते हैं, लिंक लिस्ट में एडवांटेज क्या होता है, लिंक लिस्ट अगर आप यूज करते हैं, आपको पता है कि लिंक लिस्ट क्या होता है ना, तो उसमें दो पार्ट होता है, एक तो होता है आपका इन्फो पार्ट और एक होता है नेक्स्ट का एड्रेस। तो अगर आप लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं और आपको मिडिल में कुछ इंसर्शन करना है, सपोज यहां पे कोई डेटा थर्ड नंबर पे डालना है, बी के बाद कुछ डी डालना है, तो आपको पूरा शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे, बी से लिंक कर देंगे डी को और डी से लिंक कर देंगे सी को, तो ये काफी इजी हो जाएगा। तो अगर इंसर्शन डिलीशन आपका ज्यादा है तो आपको यूज क्या करना है, लिंक लिस्ट यूज करना है ओवर एरे लिस्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है लिंक लिस्ट में, इटरेशन, इटरेशन का जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगता है। अगर आप है ना यूज करेंगे लिंक लिस्ट और आपको डेटा प्रिंट करना है,
तो आपको पहले ए, आप स्टार्ट के थ्रू पहले नोड पे जाएंगे, ए निकालेंगे, फिर एड्रेस निकालेंगे, फिर नेक्स्ट नोड में आएंगे बी निकालेंगे, फिर एड्रेस निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे, एड्रेस निकालेंगे। तो यहां पे आपको क्या हो रहा है, ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन यही चीज एरे में क्या हो जाता, अगर आप इटरेट करते तो फास्ट होता। तो अगर आपको लगा है कि इटरेशन ज्यादा है तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे एरे लिस्ट का, और अगर आपको लग रहा है इंसर्शन डिलीशन ज्यादा है तो क्या यूज करेंगे, लिंक लिस्ट का। तो ये डिफरेंस था इन चारों क्लासेस पे। और जो अब हम लोग आते हैं सेट से रिलेटेड क्लासेस में, कि सेट से रिलेटेड क्लासेस में देखते हैं क्या डिफरेंट है। तो जो सेट से रिलेटेड क्लासेस है, हमारे पास है सेट, लिंक है सेट और ट्री सेट। इन तीनों में क्या होता है, डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं होता है। इसमें इन चारों में डुप्लीकेट एलिमेंट आप डाल सकते हो, इसमें आप डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं डाल सकते। तो इनमें क्या डिफरेंस है सेट जो है सेट है आपका अनऑर्डर्ड, हैसेट जो है आपका वो अनऑर्डर्ड है। यानी अगर आपने इनपुट डाला 213 तो 123 भी आ सकता है, 312 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है सेट अनऑर्डर्ड है। लिंक्ड हैसेट क्या है, उसका ऑर्डर्ड वर्जन है। लिंक्ड हैसेट में क्या होता है, जैसा आप इनपुट डालेंगे, आपने 213 डाला तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, 213 ही मिलेगा। ट्री सेट क्या है, ट्री सेट इसका शॉर्टेड वर्जन है। अगर आप ट्री सेट में 213 डालेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 123 आएगा। तो अगर आपको शॉर्टेड फॉर्म में डेटा चाहिए तो ट्री सेट, अगर आपको एस इट इज डेटा चाहिए तो लिंक्ड हैश सेट, और अन ऑर्डर डेटा चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 100 क्वेश्चन, आप चाह रहे रैंडम क्वेश्चंस निकलने चाहिए, तब आप क्या यूज कर सकते हैं, हैश सेट यूज कर सकते हैं। सो यहां पे आपका जो हैश सेट है, मैं बताया ये है ना क्या है, अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है तो ऑब्वियसली बात है ये है ना शॉर्टेड नहीं होगा। आपका लिंक है सिर्फ ऑर्डर्ड है तो ये भी शॉर्टेड नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है इन तीनों पे। वैसे ही मैप में अगर आते हैं तो मैप में क्या है, तीन क्लासेस है आपके पास, अगेन हैश मैप, लिंक हैश मैप और ट्री मैप। हैश मैप क्या है आपका, ऑर्डर अनऑर्डर्ड है, यानी जिस ऑर्डर में आप डेटा डालेंगे उस ऑर्डर में आपको डेटा नहीं मिलेगा। लिंक हैश मैप उसका क्या है, ऑर्डर्ड वर्जन है। आप जिस ऑर्डर पे डेटा डालेंगे, की वैल्यू पेयर में डेटा डालेंगे, उस की वैल्यू पेयर में आपको डेटा क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा, किस केस में, लिंक्ड हैश मैप के केस में। और ट्री सेट जो है वो क्या है, शॉर्टेड वर्जन है, ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू की वो क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में आपके डेटा को। तो ये डिफरेंट होता है ना इन सारे क्लासेस में, और ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप है ना अगर कलेक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये चार्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। और इसी पे अब हम आगे की क्लासेस में इन सारे को हम देखेंगे डेप्थ में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एरे लिस्ट की वर्किंग के बारे में, कि उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे। 7 अप्रैल से 1 o'clock to 3 o'clock आफ्टरनून में हमारा शीशा पीएसपी.net का फ्री ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज उसको है ना ज्वाइन करेंगे।